लेट अस सी के सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम लोग. चैप्टर टू है द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. इसमें देखिए आई 4 है, जेड 12 है, आई इक्वल टू 5. ये देखिएगा असाइनमेंट है, ये इज इक्वल टू नहीं. आई को 5 असाइन किया आपने, जब कोई भी वैल्यू असाइन होगी आई को 5 असाइन किया आपने, तो जो भी वैल्यू होगी अगर वो जीरो नहीं है तो ट्रू, यानी कि हम इसको ट्रू मान ले. अभी जैसे दिख रहा है वैसे मैं कर रहा हूं. जेड ग्रेटर देन 50, क्या 12 ग्रेटर देन 50 है? ये तो नहीं है, ये फॉल्स है. अब हम जानते हैं और में यदि एक भी ट्रू हो, अगर दोनों फॉल्स हो तभी ये फॉल्स होता है, बाकी हर कंडीशन में ट्रू होता है. तो अगर आप देखेंगे क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो ये वाली लाइन आएगी, डोसा नहीं आएगा. अब इसमें सेम चीज हम कर रहे हैं एंड के साथ. एंड में ये है कि अगर एंड के एक भी साइड में, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स आएगा. अगर दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू आएगा. यहां पर हमने देखा अभी भी क्या था, ये फॉल्स था, तो आना क्या चाहिए, विश सी वॉज फ्री. लेकिन यहां पर एक असाइनमेंट है, ये ट्रू है, लेकिन यहां थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई. क्या 12 ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ट्रू ट्रू जब होते हैं एंड में तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है. तो ये लाइन आएगी, आई 4 है, जे माइनस 1 है, के 0 है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. डब्ल्यू क्या आएगा, आई जे के, आई जे के मैं लिख देता हूं यहां पर, आई जे के एक एक साथ 4 और जे माइनस 1 और के 0. और में अगर कोई भी कंडीशन आपका एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू आएगा. तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस डब्ल्यू को मिलेगा 1. एक्स में आई एंड जे एंड के, यानी कि आई क्या हुआ आपका 4 एंड जे, जे क्या है माइनस 1 एंड के 0. अब इसमें क्या है, एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो सारी फॉल्स हो जाएगी, तो क्योंकि ये 0 है एक, ये फॉल्स हो जाएगा, एक्स में आपको 0 मिलेगा. यहां आइए, आई जे, आई और जे क्या है आपका 4 और माइनस 1, 4 और माइनस 1, ये तो ट्रू दे रहा है क्योंकि 4 और माइनस 1 दोनों में ही, दोनों ही ट्रू है, कोई भी जीरो के अलावा ट्रू माना जाता है. तो यहां पर क्या आ गया, ट्रू. और इस यहां पर आपका के है 0, के 0 है. अब y में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए, फिर से मैं बताता हूं आपको, इस पर थोड़ा सा और देखते हैं. i में 4 है, आप और कर रहे हैं, और j के साथ और कर रहे हैं, j है माइनस 1, और एंड कर रहे हैं आप k के साथ, राइट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर माइनस 1 और एंड, ये वाला पहले चलेगा, पहले ये चलेगा. माइनस 1 और 0 में क्या आएगा आपको 0, लेकिन 4 और 0 में क्या, और में क्या मिलेगा आपको, सेमीकोलन से इस तरफ लेके चलते हैं, 4 और 0 में क्या मिलेगा आपको, क्योंकि 4 मिल गया, और हमेशा ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये ट्रू देगा आपको 1 दे देगा. सेम कंडीशन यहां पर है. अब देखिएगा थोड़ी सिमिलर कंडीशन है लेकिन एंड चेंज है. अब फिर से यहां पर आई जे के करते हैं, आई आपका क्या है इसमें 4, एंड करना है आपके जे से, जे है आपका माइनस 1, और आपका और में आ रहा है के, यानी कि 0. इसमें क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 और 0, ये क्या मिलेगा आपको माइनस, माइनस 1 और 0 में, क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ट्रू मिलता है और में, तो ये ट्रू मिलेगा, यानी कि ट्रू मान लीजिए, 1 मान लीजिए या माइनस 1 ही मान लीजिए. चलिए 4 और माइनस 1 दोनों ही ट्रू है, 0 नहीं है ना, 0 के अलावा हर चीज ट्रू होती है, तो ये आपको 1 देगा. अब जो अगला है उसमें है आई इक्वल टू 4, जे माइनस 1, के 0, वाई जेड. तो यहां पर वाई जेड में क्या आने वाला देखेगा, ये आई है, पहले वाला लेते हैं, आई है आपका 4 प्लस 5 एम परसेंट, जे है आपका माइनस 1, फिर प्लस 1, ये आपका और है के के साथ, के आपका है 0 प्लस 2. एम परसेंट और जो है ये बाद में होते हैं, पहले आपके प्लस माइनस होते हैं, तो ये प्लस तो कर लें, ये वाला तो होगा 9, एम परसेंट माइनस 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 0, और ये क्या हो जाएगा 2. अब मैंने आपको जैसे बताया था सबसे पहले ये होगा 0 और 2 का मतलब ये है कि और में अगर एक जगह फॉल्स एक जगह ट्रू है तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 एम परसेंट 2, ये क्या देगा आपको ट्रू, यानी कि 1, 1 रिटर्न होगा, वाई में 1 प्रिंट होगा. इस केस में देखते हैं इसमें केस में क्या आने वाला है, सेम चीज करेंगे, थोड़ा सा इस पे ये फेर बदल हो रहा है, यानी कि 4 प्लस 5, यहां पर और है आपके पास,
और ये जे है, जे आपका है माइनस वन प्लस वन, एम परसेंट कर दीजिए के प्लस टू, जीरो प्लस टू, ये काम करेंगे, ये नाइन हो जाएगा और माइनस वन और वन हो जाएगा आपका जीरो, एंड जीरो प्लस टू क्या होगा आपका टू। अब इसमें देखिए, अगर सबसे पहले ये होगा यहां, ये वाला मैंने कहा था सेमीकोलन से इस तरफ जाता है, अगर हम पहले नाइन और को, नाइन और जीरो को और करें तो भी नाइन आएगा और एंड करेंगे तो भी वन ही आएगा। तो बेसिकली नाइन और जीरो मतलब इसमें एक टू है तो यहां पर टू आएगा, इन दोनों का जो भी टू आना है इसके साथ करेंगे तो भी टू आएगा, तो टू यानी कि वन रिटर्न होगा। अब इसकी तरीके से देखिए, अगर सेमीकॉलन की तरफ से मैं आपको बताऊं तो टू और जीरो का एंड होता है जीरो, लेकिन जीरो आने के बाद यहां पर जैसे नाइन के साथ आप करेंगे तो और के साथ एक टू है तो टू आ जाएगा, इसलिए यहां पर भी वन आएगा, तो वन और वन आएगा। अगला है आई माइनस थ्री है जे थ्री है, इसको आप देखते हैं क्या बनेगा, नॉट माइनस थ्री प्लस नॉट थ्री इंटू वन, नॉट थ्री यूनिरी है, नॉट थ्री मतलब होता है कोई भी वैल्यू ले लीजिए यहां पर, नॉट उसका मतलब होता है जीरो, इंटू वन मतलब, अच्छा सबसे पहले ये दोनों होंगे, ध्यान रखिए नॉट ऑपरेटर सबसे पहले होता है, तो ये बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले ये क्या होगा नॉट माइनस थ्री, ये भी जीरो बनेगा, तो जीरो, अब ये मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी कि इफ जीरो, जीरो अगर आ गया तो इसका मतलब ये तो चलेगा नहीं, वन कंडीशन पे चलना चाहिए, जीरो पे ये कंडीशन चलेगी बिना रिबो, ये आए। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, क्या क्या एरर है इसमें, लॉजिकल एरर यूज किया हमने, आई इक्वल टू टू एंड जे डबल इक्वल टू फाइव, इसमें क्या एरर है, कुछ एरर है इसमें, कोई एरर नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप देखिए कोड इक्वल टू वन एंड फ्लैग इक्वल टू जीरो, यहां पर डबल एम्परसेंट कहां गया, ये डबल एम्परसेंट होता है, तो यहां पर डबल एम्परसेंट यूज करेंगे सिंगल नहीं। यहां पर स्पाई है ए, पासवर्ड है जेड, आपने चेक कराया स्पाई क्या ए है या पासवर्ड इक्वल टू जेड है, ये और तो कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमको पाइप यूज करना पड़ता है, तो यहां पर आपको पाइप यूज करना पड़ेगा, ये एरर है इसमें। आई इक्वल टू टेन है, जे इक्वल टू ट्वेंटी है, इफ आई इक्वल टू फाइव एंड, ये नहीं लगता, ये एंड के साथ दूसरा इफ नहीं लगेगा, ये दूसरा इफ आपको हटाना पड़ेगा, सीधा आई इक्वल टू फाइव, इस इफ को हटा देंगे तो बात सही हो जाएगी, तो आपको ये इफ केवल ये लगाइए, एंड करके ये लगा दीजिए बस। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज लीप और नॉट, यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एंड और, हम जानते हैं कि लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 100 से डिवाइड हो जाए और 400 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम के लिए हम कमेंट लिखेंगे, एस टी डी आईओ कोनियो आईओ, ये इंक्लूड कराएंगे, ईयर ये ईयर हम एंटर कराएंगे, तो यूजर को बोलेंगे आप एंटर करिए ईयर, इसको ईयर में ले लेंगे, एक इफ कंडीशन लगाइए, और क्योंकि और एंड बोला है आपने, तो यदि ईयर मॉड्यूलो 4 मतलब मैंने कहा डिवाइड करने पर जीरो आना चाहिए, तो 400 से डिवाइड करेंगे अगर ये जीरो आया, या फिर जब y को मॉड्यूलो करेंगे 100 से नॉट इक्वल टू जीरो, ये इधर पे आपका, और साथ में y ईयर मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू जीरो, यानी आपने क्या कहा कि 400 और 100 इसे चेक कराए, अगर ये तीनों कंडीशन देखिए, ये और वाली कंडीशन है और ये एंड वाली कंडीशन है, इसमें अगर हम ये लगा देते नॉट इक्वल टू की जगह हम इक्वल टू लगा देते तो एंड नहीं बन पाता, इसलिए नॉट इक्वल टू किया हमने जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो ये अपने आप ऐड किया हमने, और यहां पर कहा वाई मॉड्यूलो 4, तो ये कंडीशन भी मीट हो गई, ये कंडीशन भी मीट हो गई, 400 तो है ही, खैर यहां पर तो और एंड दोनों लगा दिए हमने, और इस एंड को लगाने के चक्कर में हमको ये नॉट इक्वल टू करना पड़ा, तो लीप ईयर आ जाएगा, ये नॉट लीप ईयर। कैरेक्टर एंटर किया जाएगा कीबोर्ड से, आपको एक प्रोग्राम दिखाना बताना है कि जो कैरेक्टर एंटर किया गया वो कैपिटल है, स्मॉल है, या डिजिट है, या स्पेशल सिंबल है, ध्यान रखिएगा 65 से लेकर 90 तक ये कैपिटल, ये ASCII नंबर्स है, इसके कंप्यूटर इसी से डील करता है, इनको नहीं समझता है। ए और जेड अगर आप देंगे ए से जेड, तो ए 65 है, जैसे बी होगा तो 66 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जेड यहां तक, स्मॉल ए टू जेड 97 से 122, 0 से 9 48 से 57, और स्पेशल सिंबल्स यहां से यहां तक आते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिंबल यूजर ने एंटर किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे, यहां पर हम चेक कराते हैं, एक सिंपल एक कमेंट लिख दीजिए, टू चेक टाइप ऑफ कैरेक्टर एंटर फ्रॉम कीबोर्ड, stdio.h conio.h इंक्लूड कर लीजिए, कैरेक्टर जो यूजर एंटर करेगा उसको यहां सी एच में लेंगे, तो प्रिंटअप में दीजिए एंटर करिए कैरेक्टर, एंटर कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, उसको हम सी एच में ले लेंगे और सी में डाल देंगे, अब मतलब परसेंट सी है क्योंकि कैरेक्टर लेना पड़ेगा, अब कैरेक्टर क्योंकि सी एच जो है वो है तो कैरेक्टर, लेकिन ये इंटरनली इंटीजर की तरह ट्रीट होता है,
तो हम इसको डायरेक्टली मैच करा सकते हैं इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 या नहीं, ये 65 से 90 के बीच में, तो एंड लगाना पड़ेगा 65 से लेकर 90 के बीच में, यदि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब हम कहेंगे अपर केस, क्योंकि 65 और 90 के बीच में अपर केस है। तो ये हमको बताना पड़ेगा कि चाहे 65 से ज्यादा हो या 90 से कम हो, दोनों ही केस में, दोनों जब ट्रू होंगे तभी अपर कैरेक्टर है, अगर 97 से 122 है तो लोअर कैरेक्टर है, अगर 48 से 57 है तो ये कैरेक्टर है। लेकिन जब ये वाला कराएंगे तो हम देखिए 0 से 48 लेंगे, फिर और लगाएंगे 57 से 65, फिर और लगाएंगे 92 से 97, या कैरेक्टर बड़ा हो 122 से, तो हम कहेंगे कैरेक्टर स्पेशल सिंबल। इस तरीके से हम कैरेक्टर बता देंगे कौन सा है, फिर बाहर आ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी कुछ रूल्स फॉलो करती है प्रीमियम कंप्यूट करने के लिए। जो बंदे की हेल्थ अगर एक्सीलेंट है और पर्सन जो है 25 से 35 ईयर के बीच में है, सिटी में रहता है और मेल है, तो उसके प्रीमियम होगा 1000 रुपए के लिए 4, और वो उसकी जो पॉलिसी है 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। अगर ये सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ये सारी की सारी, लेकिन सेक्स फीमेल है, तो प्रीमियम हो जाएगा 3 per 1000, और उनकी जो पॉलिसी है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। यदि जो बंदे की हेल्थ है वो थोड़ी सी पुअर है और वो 25 से 30 साल के बीच में है और वो विलेज में रहता है और मेल है, तो 6 per 1000 कर देंगे, उसकी पॉलिसी 10,000 से ऊपर नहीं हो सकती। बाकी सारी कंडीशन में नॉट इंश्योर्ड रहेगा। आपने प्रोग्राम लिखना है ताकि आप जैसे बंदे के इनपुट्स आप डालें तो आप बता दें कि उसका प्रीमियम रेट क्या होगा और कितना मैक्सिमम अमाउंट वो इंश्योर कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको देखना है कि इंश्योरेंस कब होगा नहीं होगा, जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे stdi.conio.h, ये यहाँ पर कमेंट लिखेंगे। एज, पीआर और पॉलिसी, देखिएगा हमने ये दे दिया, कैरेक्टर में हम हेल्थ लेंगे, रेसिडेंट लेंगे और सेक्स लेंगे। हम यूजर को बताएंगे जब हम उससे वैल्यू मांगेंगे कि आप ये वैल्यू एंटर करिए, अगर सेक्स है तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर लिया है तो आपको सेक्स के लिए मेल फीमेल डालना है, MF, हेल्थ पुअर एक्सीलेंट है आपकी तो ई और पी डालेंगे, पुअर है और एक्सीलेंट है, ई एक्सीलेंट के लिए, पी पुअर के लिए। यदि वो सिटी विलेज के लिए तो इस जगह हम सी और बी डालेंगे, तो हमने यूजर को बता दिया। उसके बाद कहा आपकी एज भी डाल दी, सारी चीज हम ले लेंगे जो हमने दिया है, जिस हिसाब से दिया है उसे इस तरीके से कैरेक्टर और इंटीजर में ले लेंगे। ये सारी वैल्यू आ गई। अब देखिए पहली चीज, यदि सेक्स मेल है, सेक्स मेल मतलब यूजर तो स्मॉल एम भी और कैपिटल एम भी डाल सकता है, तो दोनों ले लिया और लगाया, चाहे कैपिटल एम डाले चाहे स्मॉल डाले। उसके बाद एंड लगाया यहाँ पे, यदि हेल्थ इसकी एक्सीलेंट है या छोटे में एक्सीलेंट है। अब ये कंडीशन इसके साथ लगा दी एंड की, कि रेसिडेंट अगर वो सिटी का है या स्मॉल सिटी, सी छोटे में डाल सकते हैं, और एज यदि उनकी 25 से ज्यादा है और एज उनकी 35 से कम, यदि ये कंडीशन है तो पर्सन इंश्योर्ड है, प्रीमियम 4 रुपए लगेगा पर 1000 और मैक्सिमम 2 लाख है, राइट, और हम उसको 12। ये सारी कंडीशन हमने मीट कर। अब अगले में आएंगे, सेक्स फीमेल हो, दोनों एफ स्मॉल एफ इसलिए दिया, एक्सीलेंस हो, रेसिडेंट सी हो और एज 25 से 35 के बीच में है, तो हम कहेंगे क्योंकि अभी फीमेल है इंश्योर्ड हो गया, लेकिन 3 रुपए per 1000 है, 1 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं हो सकता, बाहर आ जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन देखिए, अगर मेल है, हेल्थ बहुत ये हेल्थ पुअर है, अच्छी नहीं है, रेसिडेंट वो विलेज के हैं और 25 और 30 के बीच में है, तो वो पर्सन इंश्योर तो होंगे, लेकिन 6 per 1000 देना पड़ेगा और मैक्सिमम अमाउंट जो भी आपको दिया हुआ वो आप यहाँ दे दीजिए। और उसके बाद ये तीनों कंडीशन मीट नहीं हुई तो आप यहाँ प्रिंट कराएंगे द पर्सन इज नॉट इंश्योर्ड, और उसके बाद बाहर आ जाएंगे। जो ग्रेड है स्टील का, उसको इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग ग्रेड करते हैं। हार्डनेस 50 से ज्यादा हो, कार्बन कंटेंट 0.7 से कम हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी 5600 से ऊपर है। तो ग्रेड कुछ इस तरीके से होते हैं, ग्रेड 10 देंगे यदि ये तीनों कंडीशन मीट होगी, पहली और दूसरी हुई तो 9, इस तरीके से 8 से 7.65 तक देंगे। हमको प्रोग्राम लिखना है ताकि यूजर से हम लेंगे क्या क्या, हार्डनेस वैल्यू ले लेंगे, कार्बन कंटेंट ले लेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ ले लेंगे, ये तीनों ले लेंगे और उनके हिसाब से हम उनको ग्रेडिंग देंगे। कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे टू चेक दी ग्रेड ऑफ स्टील, यहाँ पर हम stdio और conio.h को इंक्लूड कराएंगे। हम बोलेंगे कि आप, क्योंकि फ्लोट में है, वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, हार्ड कार्बन टेंसाइल डालिए। जब ये डालेंगे सबसे पहले हम प्रिंट आउट करेंगे कि आप हार्ड जो हार्डनेस डालिए हार्ड में ले लेंगे, कार्बन कॉन्टेंट कार्बन में ले लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल में ले लेंगे। अब यदि हार्डनेस 50 से ऊपर है, कार्बन 0.7 से नीचे है और ये तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, टेंसाइल 5600 से है तो ग्रेड 10।
अगर 50.7560 इनके बीच में है तो रेड 9, अगर 50 से हार्डनेस कम है, कार्बन 0.7 से कम है, टेंसाइल 5600 से ऊपर है तो ग्रेड 8, इसी तरीके से ग्रेड 7, इसी तरीके से ग्रेड 5, इसी तरीके से हम ग्रेड 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमको यहां पर उन्होंने कहा है कि आप ग्रेड 5 तक जाइए। तो ये कंडीशन हमको केवल ये देखनी है कौन सी मीट करनी है, उसी हिसाब से हम एंड और ऑपरेटर लगाएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर, इसका आउटपुट क्या होगा अगर कंडीशनल ऑपरेटर देना चाहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर मतलब ये होता है कि ये इफ एल्स की तरह ही है। तो अगर नंबर लेस देन जीरो है, नंबर क्या है आपका, नंबर है यहां पर कुछ, नंबर लेस देन जीरो, और यहां पर आपने कहा कि जीरो कोलन नंबर इनटू नंबर, नंबर है कहां इसमें, नंबर इनिशियलाइज नहीं किया तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आपने कहा के नम इक्वल टू 30, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, 30 तो ग्रेटर देन 5 है यानी कि ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन मीट होगी, ये नहीं होगी। अब अंदर फिर से आ जाइए, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, नंबर क्या है 30, लेस देन इक्वल टू 10, ये तो फेल हो गया क्योंकि 30 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, फेल हो गया तो ये 200 पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये प्रिंट क्या होगा, के में कुछ भी आता रहे इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रिंट तो आप नंबर करा रहे हैं ना, तो नंबर 30 ही होगा, है ना। अगर ये यहां पर आप नम प्रिंट करा रहे होते या फिर रिजल्ट प्रिंट करा रहे होते, ये के प्रिंट करा रहे होते तो 100 आता, यहां पर 100 नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट तो आप नम करा रहे हैं। आपको एरर बताने हैं इसमें, टैग जीरो है, कोड वन है, टैग इक्वल टू जीरो, आपको कोड ग्रेटर देन वन है तो आपको प्रिंट अप करना है हेलो या फिर प्रिंट अप करना हाय, अदरवाइज ये प्रिंट करना है। क्या एरर है इसमें, कुछ देख पा रहे हैं आप इसमें, इसमें एरर है कि कोलन नहीं है, राइट, क्वेश्चन मार्क तो यहां दे दिया, यहां कोलन कहां गया, इस कोलन को ना भूलिए। अब जे आई जो भी है 65 है, जे आई ग्रेटर देन 65 है और आपने क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के ये दे दिया, प्रिंट एफ के अंदर डाला है, देखिएगा यहां पे प्रिंट एफ के अंदर डाला है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं भी डाल दीजिए इसको, क्योंकि इसका रिजल्ट तो या परसेंट डी आएगा या परसेंट सी आएगा, वही तो हमको प्रिंट एफ के, प्रिंट एफ का फॉर्मेट यही है कि यहां पर परसेंट डी परसेंट सी आना चाहिए। तो अगर जे आई ग्रेटर देन 65 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है ऑलरेडी, 65 दिया है तो 65 के बराबर है, तो परसेंट डी आएगा, जे आई प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू 65 प्रिंट हो जाएगी। अब i इक्वल टू 10 है और j है, i लेस देन इक्वल टू 5, j 10 है, j 15 है, ये असाइन क्यों नहीं किया, ये असाइन तो होना चाहिए किसी को, तो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि असाइनमेंट नहीं है। लेकिन अब हमने कहा कि इस लाइन के बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ भी आता रहे क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, या फिर j इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 15, राइट, तो यहां कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि जे को आपने 10 साइन किया, जे को 15 साइन कर दिया, तो जे में आ गया 10, जे में आ गया 15, लेकिन आपने कहा आई ग्रेटर इक्वल टू 5, 10 ग्रेटर इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही है, तो ये जे इक्वल टू 10 होगा, तो जे यहां पर आपका 10 प्रिंट होगा और आई आपका 10 प्रिंट होगा, ऐसा होगा। जो मैंने आपको पहले बताया वो इसलिए, वो बताने का तात्पर्य ये है कि आप इसको इस तरीके से यूज ना करें, जब भी प्रोग्रामिंग करें हमेशा इसको असाइनमेंट करें फिर यूज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि ये असाइनमेंट है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई, अदरवाइज आप असाइनमेंट जरूर करें, ये मेरा मेन इसमें मुद्दा है। अब कंडीशनल ऑपरेटर के हिसाब से यूज करेंगे, देखिए आपने मिन और मैक्स एंटर करा लिया, मैक्स और एक्स एंटर करा लिया, आपने मैक्स में वैल्यू दी, अगर एक्स ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स इक्वल टू एक्स, अगर नहीं तो मीन इक्वल टू एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी के हिसाब से आपने स्कैन का जब कराया तो आप कहेंगे एक्स ग्रेटर देन मैक्स, ये वाली चीज यहां लिखेंगे, ये वाली कंडीशन यहां लिखेंगे और ये वाली कंडीशन यहां लिखेंगे, बस इतना करना, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या कोलन लगाएंगे बस। अगले वाले में भी ऐसे ही करेंगे, इफ दिस प्रिंट दिस अदरवाइज एल्स, में एक बार और आपकी मतलब नेस्टिंग हो रही है यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर की, तो हम क्या करेंगे, कोड ग्रेटर देन वन ये वाली यहां रखेंगे, प्रिंट ऑफ दिस, फिर कोलन लगाएंगे, इसके अंदर एक कंडीशनल ऑपरेटर देंगे कि कोड लेस देन वन, प्रिंट ऑफ एडी, कोलन लगा के प्रिंट ऑफ सी ब्रेक। कंडीशनल ऑपरेटर लगा के आपको डिटरमाइन करना है वेदर द कैरेक्टर, वेदर द कैरेक्टर एंटर थ्रू द कीबोर्ड इज अ लोअर केस अल्फाबेट और नॉट। एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो कैरेक्टर दिया है वो लोअर केस है कि नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है इसमें। तो हम यहां पर एक कमेंट लिख दिया हमने, कोनियो और एसटीडीआईओ इंक्लूड कर लिया, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर ले लेंगे, एंटर कैरेक्टर कराएंगे, सीएच में कैरेक्टर आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, यदि कैरेक्टर
यदि कैरेक्टर आपका 97 से ऊपर है और 122 के ऊपर के नीचे है तो आप प्रिंट करा देंगे कैरेक्टर एंटरडीज लोअर केस, अदरवाइज आप करा देंगे प्रिंट एफ कैरेक्टर एंटरडीज नॉट लोअर केस। आप समझ रहे हैं यहां असाइनमेंट की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है सीएच के हिसाब से चेक हो जाएगा, ये अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये अगर फॉल्स होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। वेदर कैरेक्टर एंटर थ्रू द कीबोर्ड इज अ स्पेशल सिंबल और नॉट, इसी तरीके से करेंगे इसको, स्पेशल सिंबल है कि नहीं तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो 0 से 47, 58 से 64, 91 से 96 और 122 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कैरेक्टर एंटर कराएंगे, यहां पर एक कमेंट लिखेंगे stdio conio.h इंक्लूड कराएंगे, ch में कैरेक्टर ले लेंगे, ch आ गया। अब इस कैरेक्टर को ch को असाइन करेंगे क्या, असाइनमेंट ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां पर केवल यहां मैचिंग करा लेंगे। अगर 0 और 47 के बीच में है या फिर 58 और 64 के बीच में है या फिर, या जब मैं बोलूं तो इसका मतलब और समझिएगा, इसका मतलब या मतलब और ऑपरेटर। इसी तरीके से 91, 96 और 122 के ऊपर तो आप बोलेंगे प्रिंटएफ, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे प्रिंटएफ, ये करेंगे कोलन लगा के फिर उसके बाद ये लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो आप कहेंगे कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट अ स्पेशल सिंबल। एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज लीप ईयर और नॉट। इसमें क्या करेंगे कंडीशनल के हिसाब से करना है, तो एक प्रोग्राम हम यहां लिख रहे हैं डिटरमाइन वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमने stdio conio.h इंक्लूड करा दिया, ईयर यूजर से एंटर कराएंगे, एंटर ईयर परसेंट डी के हिसाब से ईयर में ले लिया। अगर ईयर मॉड्यूलो 100 जीरो है, पहली चीज ये लगी, इफ ईयर मॉड्यूलो 100 जीरो है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर ईयर मॉड्यूलो 400 भी जीरो है तो प्रिंट करा दीजिए लीप ईयर, नहीं तो प्रिंट करा दीजिए नॉट लीप ईयर। अगली कंडीशन में आप जाएंगे, यहां कोलन लगा हुआ है, Y मॉड्यूलो 4 अगर ये 0 है तो आप बोलेंगे लीप ईयर, नहीं तो नॉट लीप ईयर। ऐसे तीनों कंडीशन चेक हो जाएगी, 4 से 100 से 400 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। तो ये हमारी बात हुई आपके डिसीजन कंट्रोल की, बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारी चीजें टच की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखी।